अहिर रेजिमेंट की मांग समय समय पे कई सारे नेता करते रहते हैं और यह मांग एक आंदोलन बन चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सरकारें इस चीज को अनसुनी कर दे रही हैं। हाल फिलहाल में आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहू जीत के जब सदन में पहुंचे तो उन्होंने अहिर रेजिमेंट की मांग तो जरूर की सदन में, लेकिन उस पर कार्रवाई और सुनवाई कितनी हो पा रही है यह अभी भी एक सवाल है। मेरे साथ इस वक्त प्रदीप यदु जी हैं, जो कि ब्रिगेडियर पद से रिटायर्ड हो चुके हैं और ये छत्तीसगढ़ से चल के यहाँ पे आए हुए हैं। सर, पहले तो मैं, चूंकि अधूरा परिचय हुआ आपका, मैं पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम ब्रिगेडियर प्रदीप यदु है, रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने 5 एक्टिव लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, चाहे श्रीलंका की लड़ाई हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, या उल्फा के खिलाफ अपर असम में हो, या फिर कारगिल में हो। मुझे गर्व है, अब सेना से नौकरी खत्म होने के बाद 2010 में मैं रिटायर हुआ, उसके बाद अपने सोशल वर्क में मैं और मेरी पत्नी दोनों काम करते हैं और अहिर रेजिमेंट हमारे नाम नमक निशान का मुद्दा है, ये अहिरों के मान सम्मान का मुद्दा है, उनके पूर्वजों ने जो लहू बहाया है उनके सम्मान का मुद्दा है। तो इस मुहिम में हम पूरे देश में एक मिशन अहिर रेजिमेंट अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के अंतर्गत चल रही है। अभी मैं बिहार से आया हूं और अभी यहां से मैं जब महाराष्ट्र जाना है, पूरे देश में चल रहा है। और आपको ऐसा क्यों लगा कि इस मुहिम को भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित करके इस मुद्दे को उठाना चाहिए? क्योंकि जब तक हम इस मुद्दे को राजनेताओं के पास नहीं ले जाएंगे, अल्टीमेटली रेजिमेंट बनाएगा कौन? सरकारें बनाएंगे। सरकारें कौन सी हैं हमें उससे मतलब नहीं है। आज कोई सरकार है, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी, लेकिन नहीं, रेजिमेंट का मुद्दा वहां रहेगा। इसीलिए हम जितने राजनेता वगैरह हैं, हम सबके पास अपनी मुहिम लेके जा रहे हैं। 100 साल से हम इस मुहिम को चला रहे हैं कि 100 साल में कितनी सरकारें बदली हैं। हमें सरकार से मतलब नहीं, हमें हमारे अहिर रेजिमेंट के मतलब। हाल फिलहाल में जब मैंने वीडियो का शुरुआत किया तो मैंने कहा कि आजमगढ़ के जो सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहू, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उन्होंने सदन में यह मुद्दा उठाया। क्या लगता है सरकार क्यों अनसुना कर दे रही है? अब इस प्रश्न का कि निरहुआ की बात क्यों अनसुनी कर रही है, इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बात तो सिर्फ निरहू की नहीं है ना, वो तो बात आपकी भी है और तमाम लोगों की है। मैं आपको बताता हूँ जो नेता है, क्योंकि हमारी मांग अहिर रेजिमेंट की है, इसमें अहिर जात का नाम आ गया है, इसीलिए वो देश को बरगला रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट बनने से भारत सरकार जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये सरासर झूठ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 1750 से 1850 तक अंग्रेजों ने 8 रेजिमेंट बनाई थी, मद्रास, मराठा, राजपूत, राजपूताना राइफल, कुमाऊनी, जाट, सिख और गोरखा। 1857 की जो गदर की लड़ाई शुरू करी, 4 सूत्रधार थे, मंगल पांडे, धन सिंह गुजर मेरठ के, राव तुलाराम रेवाड़ी के रियासत के राजा थे और चौथे थे कृष्ण गोपाल यादव। इन 4 में 2 अहिर थे, उनकी मांग थी अहिर रेजिमेंट की, उस समय अंग्रेजों ने नहीं बनाई क्योंकि इन्होंने गदर की लड़ाई शुरू करी थी, उसमें 2 अहिर थे, तो उन्होंने अंग्रेजों ने कहा अहिर बागी कौम है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जो 18 सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार थे, जिसमें विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस थे, वो 18 लोगों को अंग्रेजों ने दिए थे, भारतीय सैनिकों को, उन 18 भारतीय सैनिक में 3 अहिर थे। इसके बाद 1945 में हैदराबाद रेजिमेंट, जिसमें 33% जाट, 33% कुमाऊं, 33% अहिर थे, जाट रेजिमेंट थी, जाट रेजिमेंट चले गए, जो कुमाऊं थे कुमाऊं रेजिमेंट चले गए। 1941-42 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 40,000 भारतीय सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना को ज्वाइन कर लिया, इसमें 10,000 अहिर सैनिक थे और आजाद हिंद सेना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी, इटली और जापान के साथ मिलकर लड़ रही थी। तो अंग्रेजों को फिर मौका मिला कि ये बागी कौम है अहिर,
पहले वो हुआ था, उसके बाद जो नेता ये भ्रम फैलाते हैं कि जातिवाद। ब्रिगेडियर साहब, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि मुद्दा तो ये बहुत पहले से उठ रहा है, लेकिन यादवों को पटगुलवा बना दिया गया हर रेजिमेंट के लिए, पटगुलवा मतलब कॉमन, उनकी ये मांग आखिर इसलिए ही तो नहीं सुनी जा रही है? और ये मुझे लगता है कि ये आज का मुद्दा नहीं है, ये सालों का मुद्दा है और सालों से आप लोग आवाज उठाते आ रहे हैं। अभी जब मैंने बातचीत शुरू किया तो आपने 5 युद्ध का नाम लिया जिसमें आप शामिल थे, मैं चाहता हूँ उसका थोड़ा सा आप जिक्र करें। इसके पहले मैं आपको जो आपने जो मुद्दा बोला है जो यादवों का है, क्योंकि आज कोई भी इंसान सामाजिक मुद्दे को भी अपने राजनीतिक चश्मे से देखता है। बिल्कुल ठीक। अगर आप एक पार्टी के हैं या दूसरी या तीसरी में चौथी के हैं, अगर हम सामाजिक मुद्दे की को देखें तो हमारे राजनीतिक जो चश्मा है पीछे उतर जाएगा। लेकिन अगर आप एक दल के, मैं दूसरे दल का यादव हूं, आप दूसरे दल के यादव हैं, तो आप बोलेंगे वो दल का उसको सपोर्ट मत करो, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, यादवों का है। तो खेमों में बंटना भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस मुहिम जो मिशन अहिर रेजिमेंट चल रही है, हमारा उद्देश्य अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का कि पूरे यादवों को, युवाओं को खासकर, उनको बताएं कि जब तक ये 5 उंगलियां हैं इनको कोई भी तोड़ देगा। जब 5 उंगलियां एक मुट्ठी बनती है ना, इसको अंग्रेजी बोलते हैं फिस्ट, FIST, फोर्सफुल इंटीग्रेटेड स्पिरिटेड टीम। जब पूरे यादव इस मुट्ठी या फिस्ट में अपनी बना लेंगे, चाहे सरकार किसी की हो, अहिर रेजिमेंट बननी पड़ेगी। और सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं। आज भी जातिगत और क्षेत्रगत रेजिमेंट है। और आपको बताऊं, 1977 में अगर मैं इसके लाभ के बारे में पूछूं कि इसे लाभ क्या होगा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि जो अहिर रेजिमेंट बन रही सिर्फ अहिरों के लिए बने? नहीं, मैं सोच के कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात से ही, मतलब कि जो आप बोल रहे हैं उसी से मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अहिर रेजिमेंट से जो आज के देश के युवा हैं, जो सेना में सैनिक बन के नौकरी करना चाहते हैं, उनको देश की सेवा का मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे युवा जो सेना में नहीं है देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी के अंदर एक जुनून होता है कि हम देश में सेना में जाएं। अभी आपने अग्निवीर के आने के साथ आपने बिहार और झारखंड में कितना उपद्रव हुआ था जी। वो सब चाहते हैं रेगुलर सेना में हम भर्ती हों। और अहिर रेजिमेंट ये सिर्फ अहिरों का मुद्दा नहीं है, इसमें समाज के अन्य समाज के यादव युवा भी आएंगे। और अहिर रेजिमेंट में जैसे आज अहिर, जैसा मैंने बोला 15% अहिर दूसरे रेजिमेंट्स में है, उसी तरीके से अहिर रेजिमेंट में भी दूसरे जाति के युवा एक साथ काम करेंगे। ये एक एकता, ये पूरे देश के युवाओं की मांग। मिला जुला के अगर मैं आपकी बात को चंद शब्दों में इंक्लूड करूं तो ये सम्मान की बात है, सम्मान के लिए आप इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। निशान की बात है, ये हमारा मान सम्मान की बात है। अब 5 उन लड़ाइयों का भी जिक्र कर दीजिए जिसको मैं जानना चाहता हूँ, बड़ी उत्सुकता है मुझे। देखिए, लड़ाई में खून बहता है और जितना खून बहा है और बहाया है उसको रहने दीजिए तो बेहतर होगा। नहीं, मैं बस युद्ध का नाम जानना चाहता हूँ, जिन युद्ध मतलब जिसमें सबसे पहले 1986-87 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, वहाँ मैं जाफना में था। उसके बाद 1989 से 1991 तक मैं सियाचिन ग्लेशियर में था। उसके बाद मैं 82 से 85 तक लाइन ऑफ कंट्रोल में जम्मू एंड कश्मीर में था, मिलिटेंट्स के खिलाफ और लाइन ऑफ कंट्रोल में, LOC में। उसके बाद 97 से 98 तक उल्फा के खिलाफ अपर असम, नागालैंड उस इलाके में था। और फाइनली कारगिल में ऑपरेशन विजय में था, जहां मैं कमांडिंग ऑफिसर फुल कर्नल था। मैं तो मुझे गर्व है कि मैंने हिस्सा लिया, कोई एहसान नहीं किया, अपना जो कर्तव्य है जज्बे के साथ निभाया है। एक मतलब कि भारत के जितने भी संस्थान हैं, एक ऐसी संस्थान, एक ऐसा पेशा जिसको देखने के बाद हर नागरिक का सर गर्व से झुक जाता है, सम्मान में झुक जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जब बेसिकली मैं अपनी बात करूं, मुझे फौजियों से मिलके बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत शुक्रिया कि और ये जो चीज है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के हाथ मिलाने का तरीका और आपकी वाइफ भी आपके साथ है। मैम, क्या लगता है सर की अग्निवीर जो अभी हम लोग पॉलिटिकल ना जाए, अभी थोड़ी सी बातचीत कर लें। मैम, क्या लगता है कि आपके पति का संघर्ष
इतनी साल तक लड़ाई, और लड़ाई में जाहिर सी बात है कि आपको छोड़ के, आपको घर पे छोड़ के बाहर रहे हैं, और अभी आप लोग साथ में उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है सरकार को कितनी जल्दी सुन लेनी चाहिए? डिले हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, और सुनना चाहिए। 100 साल हो गए हमारे संगठन को इसी बात की, अहिर रेजिमेंट की गुहार लगाते लगाते, लेकिन शायद वो समझ नहीं पा रहे, वो उसको गलत तरीके से ले रहे हैं कि ये जाति को बढ़ावा है, लेकिन इसमें सभी जातियों के लोग काम कर सकते हैं, सभी जाति के लोग देश की सेवा कर सकते हैं, जैसे बाकी की यूनिट्स में हो रहा है। तो वही चीज है, और ये संघर्ष सिर्फ पुरुषों का नहीं है, महिलाओं का भी है। महिलाओं का इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने पति को खोया है, भाई को खोया है, बेटे को खोया है, तो क्या उनकी बलिदानी का कर्ज हम अहिर रेजिमेंट नहीं बनाए? बनाएंगे, हम तो जरूर बनाएंगे। उनका भी नाम निशान कंधे पे होना चाहिए, तो हमें भी सम्मान का एहसास होगा कि आज हमारे जो शहादतें हुई हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनका नाम कंधे पे आ गया है ये रेजिमेंट का। उसी मुहिम के लिए आज हम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी जी के सामने ये बात को रखा। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने, बड़े फ्रेंडली स्टाइल में उन्होंने हम लोगों से बात की और पूरे मुद्दे को सुना, और आगे भी वो हमारी जरूर बात को मानेंगे और करेंगे इस काम को। अब इस बात को समझिएगा, और जब अभी जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए अपने आप से, अपने आंख के ऊपर से पॉलिटिकल चश्मा उतार दीजिएगा। एक सैनिक, एक फौजी क्या चाहिए होता है? क्या आपको ये लगता है कि वो सैलरी के लिए काम करता है? यदि आपको ये लगता है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका सिर्फ एक मकसद होता है, भारत माँ की सेवा, भारत माँ की रक्षा, देश की सेवा, और उसके बदले में वो कुछ नहीं मांगते हैं सिवाय सम्मान के। सम्मान की ये लड़ाई है, और मुझे लगता है कि अहिर रेजिमेंट की ये जो मांग है एक जायज मांग है, और इस मांग के बारे में कोई भी सरकार हो उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद इसका इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। वीडियो का अंत अभी नहीं करेंगे, वीडियो का अंत करेंगे एक नारे के साथ, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद।